हेलो दोस्तों, आपका हमारे ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको सरकारी नौकरी के बारे में अलग अलग जानकारी देते रहते हैं समय समय पर, तो आज भी हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की जानकारी लेकर आए हैं और वो भी रेलवे में। सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट 2020, सेंट्रल रेलवे ने बहुत सारी जॉब निकाली है, बम्पर भर्तियाँ निकाली हैं और उन्होंने 2562 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और ये जो भर्तियां हैं इसके लिए कोई परीक्षा नहीं होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि इसके लिए कोई कंपटीशन एग्जाम इसके लिए नहीं रखा गया है। द सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। तो फिर कैसे सिलेक्शन होगी? जो सिलेक्शन होगी वह मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगी। तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए? इन पदों पर 10वीं और ITI वाले आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट को 10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समक्ष 10+2 परीक्षा प्रणाली में न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। जो मेरिट लिस्ट है वह मैट्रिक में प्राप्त अंकों यानी कि न्यूनतम 50% होने चाहिए जैसे ज्यादा और ITI अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? जो एज लिमिट है, कैंडिडेट की एज 15 साल पूरी होनी चाहिए, साथ ही कैंडिडेट 24 साल का पूरा नहीं होना चाहिए। एज की गणना 1/1/2020 के हिसाब से की जाएगी, यानी कि कैंडिडेट की एज जो है वह 15 से 24 साल के बीच में। और जो एज रिलैक्सेशन है वह SC ST वालों को 5 साल है और OBC वालों को 3 साल की आयु सीमा छूट दी गई है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जो एप्लीकेशन फीस है वह नॉन रिफंडेबल है और ₹100 और SC ST और फिजिकली डिसेबल और वुमन कैंडिडेट के लिए यह निल है। यानी कि वैसे ₹100 है और कुछ कैटेगरीज को इसकी फीस नहीं लगेगी। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की। जो जॉब लोकेशन है वो है मुंबई क्लस्टर, भुसावल क्लस्टर, पुणे क्लस्टर, नागपुर क्लस्टर और सोलापुर क्लस्टर। यह जॉब लोकेशन है जो कि 5 है। अब बात करते हैं कि कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक अप्लाई कर सकता है। यह जो है 23 दिसंबर 2019 से स्टार्ट हो चुके हैं और 22 जनवरी 2020 तक चलेंगे। अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग www.rrccr.com की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और आप इसका ऑफिशियल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको भी अच्छी तरह से चेक कर सकते हो लिंक पर जाकर कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और क्या क्या डिटेल है, कैसे फॉर्म फिल करना है, पूरी डिटेल है उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसके। ये था हमारा रेलवे पर जो नई भर्तियाँ आई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।